एंड वेलकम टू ई स्मार्टर एफडीआई चैनल। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 1061 यहां पर निकाला गया है। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। ग्रुप बी से लेकर ग्रुप सी तक पोस्टों जो है यहाँ पर निकाला गया है और अभी जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है दोस्तों 7 नवंबर से चालू होगा और 7 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। और टीयर वन के एग्जाम की जो डेट है यहाँ पर नहीं बताया गया है। जैसी डेट अनाउंसमेंट होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आपको डेट की जानकारी यहां पर दी जाएगी, समझ गए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं किसमें कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें जो पोस्ट कोड है ये भी आपको यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर जो है आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट कोड के लिए, किस पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट कोड की बात करें तो 0301 में जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है GTO की, और सेकेंड जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0401 इसी प्रकार से यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की इंग्लिश टाइपिंग की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग की, इसी प्रकार से सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर ए, फायर इंजन ड्राइवर ए और यहाँ पर फायरमैन की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1061। और भी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देखने के लिए यहाँ पर विस्तार से आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। दोस्तों किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फायरमैन के लिए देख सकते हैं आप 10th 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। 18 से 27 साल की आपकी उम्र है, अगर आप 18 से 27 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आते हैं। इसके अलावा सेकंड 1001 पोस्ट यहां पर देख सकते हैं जिसमें फायर इंजन ड्राइवर ए की वैकेंसी है और इसमें सिर्फ 10th पास वाले यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास होना चाहिए 2-3 व्हीकल्स का, लाइट एंड हैवी व्हीकल्स का। इसके अलावा नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन का आपको नॉलेज वगैरह होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ यहाँ पर स्ट्रेंजर्स ड्यूटीज़ की आपके जो ये सारी चीज़ें हैं ये कैपेबल वगैरह होना चाहिए। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो सभी में नहीं किया जाएगा, मैं एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या एग्जाम यहाँ पर होगा, कि टीयर 1 एग्जाम होगा कि टीयर 2 एग्जाम होगा, सभी हम यहाँ पर क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटर ए की जिसमें 10वीं पास है और इसमें भी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चाहिए और इसमें भी आपको दोस्तों नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स का सब कुछ आपको नॉलेज वगैरह होना चाहिए और इस पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब आप व्हीकल ऑपरेटर एमए के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी उम्र जो है 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट आती है। अगले पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, और इसमें 12th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें भी उम्र देख सकते हैं 18 से 27 साल, ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट आते हैं। अगली पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्टोर असिस्टेंट ए की है जिसमें हिंदी टाइपिंग आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसमें 12th का पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और हिंदी टाइपिंग जो स्पीड है वो आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। एज 18 से 27 साल मांगा गया है, ग्रुप सी की दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है, इसी प्रकार से आपको देख लेना है, ठीक है। तो ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर पूरा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भी जो वैकेंसी है ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, और जिसमें ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है इसमें लेवल 4 के तहत आपको सैलरी मिलेगी और इसमें लेवल 2 के तहत यहाँ पर सैलरी मिलेगी, यहाँ से जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर बताया गया है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपको अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेना है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है ये सारा कुछ आपको देख लेना है। इसके अलावा रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन का बेनिफिट किनको मिलेगा यहाँ पर इसमें मेंशन करा हुआ है, तो इसको आपको देख लेना है अच्छे से। और फीस वगैरह के बारे में बात करें तो फीस मात्र यहाँ पर बहुत ही कम फीस यहाँ पर लग रहा है, 100 रुपये आपको फीस यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 100 रुपये यहाँ पर ओनली यहाँ पर फीस जो है आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और SC ST PWBD ESM को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीयर 1 एग्जाम होगा, यहाँ पर सिटीज़ वगैरह यहाँ पर बता रखा है, टीयर 1 के एग्जाम में यहाँ पर सिटीज़ वगैरह आपको देख लेनी है, इसी सिटी में आपका जो टीयर 1 का एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है सभी के लिए नहीं है, जिसमें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसी के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो होगा, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर रनिंग वगैरह के बारे में बता रखा है, 1600 मीटर का रेस होगा, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो वेट है आपको कैरी करना है 63.5 किलो, जो 163 मीटर तक आपको लेके जाना है विथ इन 96 सेकंड में, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये जो टेस्ट होगा ये सिर्फ फायरमैन वालों के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता भी रखा है। इसके अलावा ये भी फायरमैन के लिए यहाँ पर होगा, फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर बता रखा है, मेल कैंडिडेट का यहाँ पर बता रखा है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस ओनली यहाँ पर रिटन टेस्ट के यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें रिटन एग्जामिनेशन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो CBT 1 जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पोस्ट कोड यहाँ पर 0301 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं JTU की था, JTU यानी कि जूनियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। तो इसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्ज़ाम जो है कितने मार्क्स का यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज वन के एग्ज़ाम की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे इन जनरल हिंदी से और 40 क्वेश्चन ही आएंगे जनरल इंग्लिश से, और ये दोनों जो है 40-40 80 मार्क्स के हो गए, मैक्सिमम मार्क्स 80 हो गया। और यहाँ पर जो है 60 मिनट का समय जो है आपको मिलेगा, एक घंटे का समय में आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पर 80 क्वेश्चन को आपको करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हैं, इनके लिए 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स के ही होंगे, और इसके यहाँ पर 60 मिनट का समय जो है आपको मिलेगा। और जिन भी कैंडिडेट के फायरमैन हो गया और भी यहाँ पर जो पोस्टें हैं उनके लिए जो फिजिकल टेस्ट है वो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट होगा, ये इनको वहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो है जो यहाँ पर 303 पोस्ट कोड है जो JTU था उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसके लिए यहाँ पर ट्रांसलेशन और ऐसे वगैरह का टेस्ट होगा जो 200 मार्क्स का होगा और 120 मिनट का समय जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा, समझ गए। सिर्फ ये जो पोस्ट है 0301 इसी के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम होगा, बाकी सभी पोस्टों के लिए एक ही एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, समझ गए। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पर समझ जाना है और इसको आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है, सारी चीज़ें हैं आपको इस अच्छे तरीके से आपको बाकी सारी जानकारी यहाँ पर देख लेनी है। और जैसे ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू होता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ताकि आप किसी प्रकार का कोई भी गलती ना करें, ठीक है। और दूसरों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी जो है इस भर्ती के बारे में जान सके और अभी से आपको प्रिपरेशन करने में लग जाना है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।